नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ यू इज इक्वल टू एक्स इंटू वन माइनस वाई एंड वी इज इक्वल टू एक्स वाई, देन हमें क्या निकालना है, पहले तो निकालना है जेकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और फिर निकालना है जेकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी, और हमें इनकी प्रोडक्ट करके दिखानी है कि आंसर वन आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये यू दे रखा है, इसको खोल के लिख दिया एक्स माइनस एक्स वाई, यू का एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा वन माइनस वाई, और यू का वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव आएगा माइनस के एक्स, ऐसे ही वी का एक्स के साथ आएगा वाई और वी का वाई के साथ आएगा एक्स। फिर हमें निकालना है जेकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, इसका फॉर्मूला लिखा, चारों की वैल्यूज पुट की, डिटरमिनेंट सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब यहां पर तो यू किसके टर्म्स में था, एक्स और वाई की, वी भी किसके टर्म्स में था, एक्स और वाई की, तो आराम से हमारे ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकल गए। अब हमें जब ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका तो ये फॉर्मूला है, पहली लाइन में, पहली रो में एक्स के पार्शियल डेरिवेटिव यू और वी के साथ, दूसरी रो में वाई के पार्शियल डेरिवेटिव्स यू और वी के साथ। अब हमें x का पार्शियल डेरिवेटिव u के साथ निकालना है, v के साथ निकालना है, इसका मतलब x और y किसके टर्म्स में होने चाहिए, u और v की टर्म्स में। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये u दे रखा था, ये v दे रखा था, यहाँ माइनस के एक्स वाई है, यहाँ प्लस के एक्स वाई है, तो इनको ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा u प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, कट के क्या बच जाएगा x, सो u प्लस वी इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई यू और वी की टर्म्स में। अब यहां से वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई कितना बनेगा वी बाय एक्स, और एक्स की वैल्यू पुट कर दो यू प्लस वी, सो दिस इज इक्वल टू वी बाय यू प्लस वी, तो वाई भी किसके टर्म्स में आ गया, यू और वी की टर्म्स में, और एक्स भी किसकी टर्म्स में है, यू और वी की टर्म्स में। यहां से हम कर ली एक्स बाय कर ली यू, कर ली एक्स बाय कर ली वी, और यहां से हम कर ली वाई बाय कर ली यू एंड कर ली वाई बाय कर ली वी, आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो चारों डेरिवेटिव्स हमने निकाल दिए, और फिर जेकोबियन के फॉर्मूले में चारों की वैल्यू पुट करके डिटरमिनेंट सॉल्व किया। जब हमने ये वाला जेकोबियन सॉल्व किया था तो आंसर आया था एक्स, और अब हम ये वाला जेकोबियन सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है वन बाय एक्स, अंडरस्टूड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा वन।